फ्रेंड्स रात के जो है 11:30 बज रहे हैं अभी, कितना टाइम हो रहा है अभी, 11, तो रात के 11 बज रहे हैं अभी। और मैं ना अभी हस्बैंड जो है मेरे सब्जी लेकर आए थे, तो मैं सब्जी कर रही थी साफ, क्योंकि अदरक है, थोड़ा टीवी का आवाज कम करो ना। तो जो सब्जी है ना उसमें था मेरे पास ये शिमला मिर्ची, और देखिए मैंने बर्तन वगैरह सब कर दिए हैं अभी, तो ये फिलहाल ये वाइंड अप का टाइम है। तो जो सब्जी आई थी आई थॉट किसको धो के रख दूं, क्योंकि सब्जी में बहुत ज्यादा गंदगी है स्पेशली अदरक में, ठीक है। तो ये सब्जी मैंने कुछ वॉश कर दी है, और बिल्कुल जब मेरे घर में अदरक वगैरह आता है ना, मैं पहले इसको पानी में वॉश कर पानी में डुबा देती हूँ अच्छे से, फिर मैं इसको वॉश करती हूँ, और फिर लोहे वाला जो स्क्रबर होता है ना ये वाला, तो इससे मैं इसकी वो करती हूँ सफाई। देखो ऐसे करके आप साफ करेंगे ना तो जो मिट्टी वगैरह है वो साफ हो जाती है। तो एक स्क्रबर आप अपने घर में ऐसे रखें, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कई बार मुझे मेरे साथ लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ है कि ऐसा नहीं होता है, तुम झूठ बोलती हो, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अदरक है और मैं साफ कर रही थी ना, अंदर से मैंने इसको काटा तो ये ऐसा निकला पार्ट, देख रहे हो छेद छेद, इसमें कीड़े हैं, कैन यू इमेजिन, इसमें बहुत कीड़े हैं। जैसे लोग ये कहते हैं ना कि अदरक में कीड़े नहीं होते, मैं दिखाऊंगी आपको कि अदरक में कीड़े होते हैं। तो जो लोग अदरक लाए बाजार से, धो लिए और कूट के डाल लिए, तो अदरक फ्लेवर चाय नहीं पी रहे आप, कीड़ा फ्लेवर चाय पी रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखो जो अदरक ऐसे, अब चूंकि हस्बैंड सब्जी लाए हैं मैं नहीं लाई हूं, तो वो फिर ऐसे उठा के ले आते हैं। ये देखो ऐसा अदरक है ये, और मैं आपको दिखाऊंगी इसको डिटेल में काट के कि किस प्रकार से आपको पता चलेगा कि अदरक में कीड़े हैं कि नहीं। फिलहाल बाल्टी देख सकते हैं सिंक में रखी हुई है मैंने, और इसमें मैं इस प्रकार से धो रही थी, ठीक है। अब ये पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ है मेरे साथ, मैंने पहले भी एक बार और वीडियो बनाया था, क्योंकि मेरी 2-3 दोस्त बोल रही थी कि नहीं नेहा अदरक में कीड़े नहीं होते हैं, मैंने उनको बोला था अदरक में कीड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से कीड़े कैसे निकलते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ये अदरक ले ली मैंने, और पहले मैं इसको ऐसे साफ कर लूंगी। तो जब भी आप अदरक लाएं पहले तो आप मार्केट से देख कर लाएं, किसी भी अदरक को जब आप खरीद रही हैं उसमें छेद वगैरह ना हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो अनजाने में आपको समझ नहीं आएगा और आप कीड़े वाली चाय या कीड़े वाली सब्जी जो भी अदरक की होती है वो फिर आप खा लेंगे, तो ऐसा ना करें। देखो ये सिंपली मैंने अदरक को कट किया, यहाँ पर छेद है आप देख रहे होंगे, चलो मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊंगी कि अदरक में कीड़े आपको, वैसे तो मुझे बहुत डर लगता है इन चीजों से, पर फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको दिखा दूं कि इसमें कितने कीड़े होते हैं, ठीक है। अरे आप आ जाते तो ठीक ही रहता ना, मेरे को डर लगता है इन चीजों से, मैं एक्चुअली ये सब्जी वब्जी के कीड़ों से बहुत डरती हूँ। इसके अंदर कीड़ा है काफी बड़ा सा इसके अंदर, तो इसको निकालो, मैं टूथपिक देती हूँ। आपको दिखाएंगे क्लोजली कि इसमें अदरक में से कीड़ा कैसे दिखेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, काफी बड़े साइज का कीड़ा निकलेगा, और एक नहीं कई कीड़े निकलते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक आप इस चीज को नोटिस करिएगा। काफी बड़े बड़े लंबे लंबे और थोड़ी अजीब सी स्मेल भी आती है अदरक में से, तो कभी भी अदरक आप लाती हैं डायरेक्टली उसे ना डालें, साफ करके डालिएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है हम लोगों की। हम उसको निकल गया, देखो कितना बड़ा है, देखो अभी आपको ब्लर हो रहा है, अभी देखिए एक मिनट थोड़ा इधर लेकर आओ, इस तरफ यहाँ देखो ब्लर हो रहा है, हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा कीड़ा है, मेरे गूज बम्स आ गए इसे देख के, देखो कितना बड़ा है ये, पीछे को रखो थोड़ा सा, ये देखिए किस तरह चल रहा है ये, समझ रहे हैं आप। तो ये अदरक में बहुत भयानक वाले बड़े बड़े कीड़े होते हैं, इसको थोड़ा पीछे को रखो यार, मेरे ऊपर ना खींचे, प्लेट में निकालो। तो ये पहली बार नहीं है, मैंने कई बार पहले भी शेयर कराया, क्योंकि अदरक को मैं हमेशा बहुत अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, और ऐसे कई कीड़े निकलेंगे, ठीक है। देखिए एक और है, ये देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिए आप कितने बड़े बड़े कीड़े हैं, कितने मोटे मोटे कीड़े हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना अदरक में कीड़े नहीं होते, होते हैं, आपके सामने मैंने लाइव दिखाया है ये चीज, ये देखिए, और भी निकलेंगे, अभी बहुत सारा अदरक मुझे साफ करना है। तो ऐसे अदरक को कभी भी लाकर आप ना डालें, प्लीज उसको अच्छे से क्लीन करिएगा, जिस भी अदरक में आपको अजीब से छेद छेद दिखे उन्हें क्लीन करके कट करके निकालिएगा। देखो कितने मोटे कीड़े हैं ये, देख के कितनी घिनार ये, देख रहे हैं, और ये तो छोटे साइज के हैं, काफी बड़े बड़े निकलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, मुझे डर लगता है एक्चुअली, मैं नहीं कर पाती हूँ ये काम। पहले भी जो मैंने वीडियो बनाया था ना एक अदरक वाला, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि नेहा नहीं अदरक में कीड़े नहीं निकलते हैं, मैंने उनको बोला था निकलते हैं, तो जब मैं अदरक साफ करी थी तो फिर मैंने कोशिश करी दिखाने की, तो मैंने उनको भी वो वीडियो भेजा था। देखो अदरक क्या होता है ना कि ये देखिए जो ऐसा होता है ना अंदर से, इस प्रकार का अदरक अगर आपको दिखे उसको पक्का चेक करें आप, इस प्रकार का जो हो उसको निकाल दें ऐसे, ये देखिए ये जो छेद छेद आपको दिख रहे हैं ना अंदर, ये ब्लर कर रहा है, इसको क्लीन करो, ब्लर कर रहा है,
पीछे रखो। हाँ ये देखिए, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, इसको हमेशा आप ऐसे अच्छे से काट के देखिएगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम टाइम आपको कीड़े दिखेंगे, ठीक है। ये जो ऐसे छेद छेद वाला पार्ट होता है ना, वहां पर कीड़े होते हैं, इसलिए इसको डायरेक्टली ना डालें। और ये देखिए किस तरीके से कीड़े चल रहे हैं। और ये कीड़े सिर्फ अदरक में नहीं होते, हरी मिर्च में भी होते हैं, ठीक है। हो सकता है ये देखिए यहाँ पर इस अदरक में से 100% कीड़ा निकलेगा, क्योंकि इसमें छेद है। ये देखिए, ये जो होता है ना अदरक में, इसमें कीड़े होते हैं। इसको कट करते हैं, मुझे एक्चुअली डर बहुत लगता है, मेरी चीखें निकल जाती हैं ये चीजें देखकर। जैसे कई बार गोभी में कीड़ा निकल जाता है और मिर्च में निकल जाता है, मेरी तो चीखें निकल जाती है। ये काम मैं अपने हस्बैंड से ही करवाती हूँ, मुझे आती है इन चीजों से टेंशन। इसमें कीड़ा है, इसमें कीड़ा है, देखिए अंदर में भी छेद है, इसमें दिख रहा है आपको। इस प्रकार से चेक करें आप, डायरेक्टली ना डालें ये बहुत। और वीडियो को बहुत लोगों के साथ शेयर करना है आपको, बहुत लोगों के साथ, क्योंकि हर घर में अदरक की चाय बनती है, लोग अदरक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों में भी डालते हैं। और जैसे बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं ना, मुझे तो ये सोच के घिन आ जाती है कि बाहर कौन साफ करेगा, कौन पेन लेगा, बाहर कोई नहीं लेगा। घर में हम जितना गोभी की सब्जी साफ करते हैं ना, और शादियों में जो बड़े चाव से गोभी खाते हैं, मुझे तो दिमाग में ये चीज आती है कि भैया कीड़े वाली गोभी होगी, कौन साफ करता है, कोई नहीं करता। इसलिए आप जो है इन चीजों पर ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पक्का इसे शेयर करिएगा, इसे शेयर करना मैक्सिमम लोगों के साथ, जो लोग कभी कभी, अगर हो सकता है आपसे भी बहस हुई हो कि नहीं अदरक में कीड़े नहीं होते, होते हैं भाई, देखो लाइव डेमो दिखाया मैंने आपको, कितने मोटे मोटे हैं, कितनी घिन आ रही है इनसे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और प्लीज अदरक को साफ करके ही इस्तेमाल करिएगा। बाय द वे रात हो रही है, किचन वाइंड अप कर रही थी मैं, मैंने सोचा चलो अब ये सब्जी वगैरह साफ कर लेते हैं, क्योंकि गार्बेज अभी रखने का टाइम है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, कचरा जो है रात में बाहर रखते हैं, हमारे यहाँ गार्बेज रात में रखते हैं बाहर, सुबह वो भैया ले जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो भी सब्जी वगैरह का कचरा है वो मैं रख दूँ, इसलिए मैं इसी टाइम पर क्लीनशिप कर लेती हूँ सब्जियों की। अब तो नहीं करूंगी, पानी में पड़ा रहेगा रात भर, ये सुबह करूंगी अब, क्योंकि भैया मेरे दिमाग में हो गया है डर, इसको आराम से बैठ कर मैं साफ करूंगी। हालांकि मैं बहुत ध्यान से चीजें साफ करती हूँ, कभी भी ऐसे नहीं रखती हूँ। और ये जो शिमला मिर्ची है ना, इनमें भी कीड़े निकल जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको करना है, ठीक है। चलिए बाय बाय।